वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा और अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों की आवाज़ बुलंद रही तो क्या वाकई में वो चीज़ सामने आ सकती है या नहीं आ सकती, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि पेपर लीक मामले में कल एक महारैली का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी बेरोजगार अभ्यर्थी जो है उसमें शामिल हुए थे और सभी ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और उसका असर आज दिखाई भी दे रहा है कि जैसे न्यूज आ रही है कि BDO BPDO और उसके अलावा सचिवालय रक्षक और आपने देखा होगा वन दरोगा भर्ती जो है निरस्त हो सकती है, ऐसा अभी तक अपडेट आ रहा है। हालांकि अब देखना यह है कि ऑफिशियली ये चीज़ें कब तक बाहर निकल के सामने आते हैं। और जो सबसे बड़ी अपडेट वो निकल के आई है वो ये आई है कि 260 लोगों ने अभी तक पेपर जो है पाया है, यानी कि ये STF बोल रही है, ठीक है, ये STF बोल रही है कि उसको जो पता चला है कि लगभग 260 लोगों ने पेपर दिया, जिसमें से 220 लोगों ने जो है परीक्षा दी और पास हो गए, जबकि 40 लोग जो है रट्टा मार नहीं पाए सही से, इसलिए वो एग्जामिनेशन जो है पास नहीं कर पाए, यानी कि ये एग्जामिनेशन जो है क्लियर नहीं कर पाए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि औसतन सभी ने जो है 15-15 लाख रुपए दिए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इन पेपरों की कीमत चुकाने के लिए लोगों ने कर्ज तक उठाया था। और जो सबसे दुख की बात है कि ऐसे में जो है पहाड़ों के रहने वाले कई लोगों ने पेपर लीक के लिए जो है अपनी संपत्तियां तक बेच दी, अपने वो सब यानी कि जो जैसे जैसे हो सकता था पेपर खरीदने के लिए पैसे जुटाए। आखिर इसका क्या रीज़न है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब बात कर लेते हैं उस मेन सवाल की जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। जैसे कि आपको पता है कि दबे लम्हों में ये बात अक्सर सामने आ रही है कि उन कैंडिडेट या जो आपको शुरू से STF बोल रही थी कि उन अभ्यर्थियों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी साफ साफ कहा है कि जिन लोगों ने पेपर लीक के जरिए परीक्षा की है, अब वो भी अपने आप STF की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कहा जा रहा है एक STF के जो ऑफिसर के हवाले से बात ये आ रही है। और दबे लफ्जों में हर जगह ये खबर निकल के आ रही है कि आखिर STF और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, जिन लोगों ने पैसा लिया है, यानी कि जिन लोगों ने पैसा लिया था उनका नाम तो आ रहा है कि जो है हाकम सिंह है, फलाना है, ढिमाका है, अब तक जो है 35 गिरफ्तारें हो चुके हैं, लेकिन उन लोगों का नाम कब आखिर आएगा जिन्होंने पैसे दिए थे, क्योंकि उन लोगों का नाम भी आना ज़रूरी है। और उन लोगों का नाम अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं उसके उन लोगों के हौसले बुलंद होंगे, आज नहीं तो अगले एग्जाम में, अगले नहीं तो उसके अगले एग्जाम में वो फिर से वही कोशिश करेंगे जो BDO BPDO की भर्ती में हुई थी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं तमाम जो डिजिटल मीडियाज़ हैं तमाम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये आवाज़ अब धीरे धीरे उठने लगी है। तो अगर क्या सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उन अभ्यर्थियों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए जो पेपर लीक धांधली से चयनित हुए हैं, यानी कि जिन्होंने पैसा दिया है, तो आपकी क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां आप हैं यानी कि जिसका यूज करते हैं वहां पर ये क्वेश्चन आप रेज करिए, क्योंकि ये भले ही बहुत छोटी बात लग रही है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको सूक्ष्म तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर इनका नाम जग जाहिर नहीं हुआ कल के दिन ये फिर से धांधली में शामिल होंगे, क्योंकि इनके हौसले बुलंद होंगे और ये कई राज जो है अपने अंदर समा के रख सकते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से और STF से कि इनका नाम जो है सामने लाए, क्योंकि जैसे STF ने कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं पैसे देकर और वो कॉपरेट कर रहे हैं STF को, तो STF की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका नाम जो है मीडिया के सामने रखे, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है जब तक सरकार के ऊपर और STF के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो है कदम उठाना है, बेड़ा हम आप जैसे तमाम युवाओं को ही उठाना है। जिस तरह से कल जन सैलाब देहरादून में आया था वैसे ही जन सैलाब डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमको लाना है कि कैसे भी हो जो जो अभ्यर्थी नकल करके पास हुए हैं उनका नाम जो है
सामने आना चाहिए। याद हो आपको इससे पहले एक पीआरडी का जवान पकड़ा गया था जिसकी जिसने आयोग से ही पेपर लीक करा के अपने वाइफ को पेपर सॉल्व कराया था, और उसकी वाइफ, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसकी वाइफ बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जाके, सोशल मीडिया पे जाके ये कहती थी कि हाँ हमने मेहनत करके जो है सिलेक्शन पाया है। तो आप समझ सकते हैं जब किस तरह से इन लोगों के ऑलरेडी हौसले बुलंद रहे होंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये इस अभियान को सफल ज़रूर बनाएं, क्योंकि तमाम डिजिटल मीडिया पार्टनर्स जो है इस मुहिम को आगे ला रहे हैं, और वो अकेले इसको नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का इसमें साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह इस बात को आप जरूर रखें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप मुझे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।